एमपी के रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से न्यायालय की चौखट में नर्सिंग छात्राओं का भविष्य कई वर्षों से उठ रही थी नर्सिंग कॉलेज भवन की मांग। अब नर्सिंग छात्राओं ने कहा हमारा क्या कसूर। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में बीते कई दशक से नर्सिंग कॉलेज बिल्डिंग की उठ रही मांग अब सैकड़ों छात्राओं के भविष्य पर असर डाल रही है। न्यायालय के आदेश के बाद कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद अब सैकड़ों नर्सिंग छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, जिस पर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में पूरी तरह से मौन धारण कर लिया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद कुल मिलाकर अब श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के हाथ में भी कुछ नहीं रहा। ऐसे में छात्राओं का कहना है कि हमारा क्या कसूर था। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने शासन की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा दी और नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिया। बीते कई दशक से कॉलेज बिल्डिंग की मांग उठ रही थी, लेकिन प्रबंधन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी तक तो कुछ भी निर्णय नहीं निकला है। हम लोग का जब एडमिशन जब हम लोग एग्ज़ाम के थ्रू आए हैं, मतलब प्रॉपर जो पीएनएससी का एग्ज़ाम जो होता है, हम पूरा जब काउंसलिंग के टाइम पे जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें लगा कि ये जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, तो ये हमें लगा कि ये नर्सिंग की बिल्डिंग है। पर यहाँ पे जब हम आए तो हमें बताया गया कि ये आपकी नर्सिंग की बिल्डिंग नहीं है। फिर एक कॉर्नर पे बिल्डिंग थी, गिरी हुई सी, तो जब हम वहाँ पे गए तब हमें पता चला कि ये नर्सिंग की बिल्डिंग है। हमको तो स्टार्टिंग में यही नहीं पता था कि ये नर्सिंग की बिल्डिंग है। अगर हमें ये सब पता होता तो हम क्यों रीवा में एडमिशन लेते। कहाँ के आप लोग? हम लोग तो बेसिकली मतलब जहाँ ये बिरसिंहपुर शेडोल साइड के हम लोग, और कुछ मतलब सब सब अलग अलग जगह के, कुछ इंदौर के, कुछ उज्जैन के हैं, कुछ भोपाल के, बैतूल के हैं, बालाघाट के, सब अलग अलग जगह से आया था। आप लोगों ने डीन को क्या अभी तक किया सामने कोई नहीं वो करेगा। कोर्ट के आदेश के आगे कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब हम लोग को कोई अश्योरिटी नहीं दे रहा है। हम क्या कर सकते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।